गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो आज हम इंग्लिश लिटरेचर 12th क्लास के एक यूनिट है लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। ये यूनिट आपके सिलेबस में 6 मार्क्स के लिए है और 5 लिटरेरी टर्म्स आपके सिलेबस में है। उनमें से एग्जाम में 4 आते हैं और 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अंडरस्टूड? देखो हम एक वन बाय वन एक एक देखते चलेंगे। पहले हम एक टर्म है हमारे पास में मेटाफिजिकल पोइट्री, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है और अगर इससे रिलेटेड या इस यूनिट पर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें किस प्रकार से उसका आंसर लिखना है, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखो हम सब जानते हैं कि लिटरेचर एक समाज का दर्पण होता है, लिटरेचर समाज का दर्पण होता है, सबने सुना है। यानी कि जिस प्रकार की सोसाइटी की थिंकिंग होगी, जो वहाँ के जो सोसाइटी के जो पोइट्स होंगे वो लिटरेचर भी वैसा ही लिखते हैं। और जैसे जैसे सोसाइटी में थॉट्स लोगों की चेंज होती जाती हैं तो लिटरेचर भी डेफिनेटली चेंज होता है। तो देखो ऐसा ही इंग्लिश लिटरेचर में हुआ। क्या होता है, देखो 18th सेंचुरी में, यानी 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिशनल जो उनका तरीका था लिटरेचर लिखने का वो चेंज होता है। और वो चेंज होकर यानी कि सब्जेक्ट मैटर में, लिखने के तरीके में और लिटरेरी डिवाइसेज, इन सब में चेंज होता है। जैसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे पहले रामायण लिखी गई, रामायण में क्या होता है कि हमारे एक आदर्श परिवार की कहानी हमें पढ़ने को मिलती है, यानी कि परिवार की स्टोरी पर यह रामायण लिखी जाती है। और फिर लोगों की सोच बदली, फिर महाभारत महाकाव्य लिखा गया। और ये क्या था, ये एक युद्ध पर यानी धर्म युद्ध पर आधारित एक स्टोरी है, इसमें थीम है। तो इस प्रकार से देखो यहां चेंज हो रहा है, यानी बदलाव होता जा रहा है। वैसे ही इंग्लिश जो लिटरेचर है यानी इंग्लिश सोसाइटी है, वहां पर स्टार्टिंग में किंगशिप के बारे में लोग लिटरेचर लिखा करते थे और फिर चेंज होता गया। फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ लोगों ने यहाँ पर इनके सब्जेक्ट थे राजसी परिवार या उनके सदस्यों के लिए या उनकी गुणगान करने के लिए ये लिटरेचर लिखा करते थे, फिर चेंज हुआ। और चेंज होकर क्या होता है, यानी मेटाफिजिकल, यानी कुछ बदलाव बीच में भी हुए थे लेकिन जिस टर्म को हम समझना चाहते हैं हम सीधे उसी पर चलते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में एक नई इनोवेटिव मैंने थॉट्स या डिवाइसेज ऐसे समझिए आप, लिखने का तरीका हमारे सामने आता है। पहले हम इस चीज को समझते हैं। देखो यहां से आदर्श परिवार की कहानी रामायण में थी, धर्म युद्ध पर आ गई, वैसे किंगशिप लिखने का तरीका था, किंगशिप का राजसी परिवार के बारे में, राजतंत्र के बारे में या जो वहां की जो राजा थे उनके परिवार के सदस्यों के बारे में। फिर यहां से चेंज होकर मेटाफिजिकल ट्रेंड की तरफ बढ़ा। मेटाफिजिकल क्या, एक लैटिन वर्ड है, एक ये लैटिन वर्ड है मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल। अब देखो इसको हम समझते हैं, फिजिकल का होता है भौतिक संसार, इसका अर्थ होता है भौतिक संसार। दो शब्दों से मिलकर बनाए, मैं आपको अलग अलग करके समझाने की कोशिश करता हूँ, मेटा प्लस फिजिकल। और फिजिकल से हम समझते हैं कि जो हम हमारे सामने जो उपस्थित संसार है, और मेटा का होता है देखो ओवर, ओवर करता है परे यानी दूर। इसका सीधा सा समझो आप, बिफोर प्लस आफ्टर, यानी कि ऐसी चीजों के बारे में बताना, इस प्रकार की थीम का यूज करना जो इस भौतिक संसार से परे है, यानी इस संसार में होती नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। अब एग्जिस्टेंस कैसे नहीं हो, आपको मैं एक सिंपल सी स्टोरी से आगे बढ़ता हूं। शेक्सपियर ने क्या किया, एक पोएम लिखी, या सॉरी शेक्सपियर ने पोएम के, मैं आपको एक ड्रामा के बारे में बात करता हूं, मैकबेथ। और मैकबेथ में उन्होंने एक मैकबेथ नाम के जो एक कैरेक्टर था उसको लेकर एक स्टोरी लिखी, और वह एक राजा का मर्डर कर देता है। तो इस तरह से कहानी बढ़ती है। तो मैं एक करना चाहता हूं कि ये जो यहां पर ही घूमती रही कहानी, लेकिन यहां के जो लोग थे उन्होंने
अपने थीम को चेंज कर दिया, वो किस पर गए, एक तो लव पर, एक गॉड, एग्जिस्टेंस और स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा, इन्होंने चेंज कर दिया। इनकी इनका जो सब्जेक्ट बना वो लव बना, गॉड बना, एग्जिस्टेंस बना। पहले सब्जेक्ट इस तरह के हुआ करते थे, एक राजा की कहानी, और बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। यानी कुछ ऐसे पोइट्स थे। अब ये तो समझ में आया आपकी बात में, यहां तक तो आपको इस वर्ल्ड के बारे में, इस प्रकार की जो पोएट्री थी उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या था, यानी लोगों ने किस प्रकार से इसको लिखने की कोशिश की या शुरुआत कैसे हुई, इन सब के बारे में जाना। अब देखो यहां से आपको ये वर्ड याद रखना है, यानी मेटाफिजिकल जो क्या है, मेटा यानी ओवर, बिफोर और आफ्टर, यानी संसार से पहले यानी है नहीं, लोग किसी ने देखा नहीं, फील करते नहीं, देखा नहीं, पत्थर की मूर्ति देखते हैं तो वो उन चीजों के बारे में, गॉड गोल्ड किसी ने देखा नहीं है लेकिन हम मानते हैं, एग्जिस्टेंस, इन थीम पर ये लोग लिखते गए। अब सबसे पहले इस प्रकार की जो पोएट्री थी, इस टर्म का यूज किसने किया, मैं आगे बात करता हूँ आपसे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ये समझने के लिए आपके लिए। आगे देखो हम एक पोएट हैं जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन ये एक क्रिटिक थे, क्या थे, कौन थे, क्रिटिक, क्रिटिक आलोचक, देखो इनका नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इनका नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन्होंने 18th सेंचुरी में एक ग्रुप ऑफ पोएट्स, ग्रुप ऑफ पोएट्स क्या क्या नाम था उनका, कुछ कवियों का ग्रुप था उसके लिए, जॉनडन, एंड्रू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, और भी कुछ नाम है, रिचर्ड हर्बर्ट, मैं आगे देखिए क्लिक करता हूँ, जॉनडन, एंड्रू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, आगे देखते हैं एक रिचर्ड कर्सा, एटसेट्रा। देखो ये बात तुम्हारे समझ में आएगी कि उन्होंने एक बुक लिखी थी और उसका नाम था, मैंने कि ये समझ गया, 52 पोएट्स के बायोग्राफी का ब्रीफ, प्रीप्री नॉलेज उन्होंने डाला था, उनमें उन्होंने इन मोस्टली इन जो पोएट्स हैं इनका जिक्र किया, कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो मेटाफिजिकल पोएट्री का यूज करते हैं, जॉनडन, एंड्रू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड कर्सा एटसेट्रा, और भी हैं, एक कावले नाम से उन्होंने भी लिखा था, ये फेमस थे, इनमें सबसे फेमस था जॉनडन। अब देखो हम एग्जाम के हिसाब से इस तरह से याद रखते हैं, एक चीज हुई द मेटाफिजिकल पोएट, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन फॉर अ ग्रुप ऑफ पोएट्स लाइक जॉनडन, एंड्रू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड कर्सा एटसेट्रा। ये सेंटेंस है, आप समझ में आ रहा होगा, फिर से मैं इसको कंपोज करने की कोशिश करता हूं आपके साथ, नहीं साथ करना, देखो एक एक सेंटेंस को सीखते हैं फिर सबको मिलाकर एक साथ करते हैं। तो द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री, जितना आपने सीखा वहां तक ही मैं बात कर रहा हूं, मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द क्रिटिक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फॉर अ ग्रुप ऑफ पोएट्स, इन कवियों के समूह को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स का, फॉर अ ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ पोइट्स याद समझ गया। इस ग्रुप ऑफ पोइट्स को डॉक्टर सेमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्स नाम दिया। पोएट्री वॉज फर्स्ट यूज बाय द क्रिटिक डॉक्टर सेमुअल जॉनसन फॉर अ ग्रुप ऑफ पोइट्स। अब देखो ग्रुप ऑफ पोइट्स कौन कौन से थे। नंबर वन लिखो लाइक लगा देखो लाइक जॉन डन। देखो लिखने में कोई शायद परेशानी नहीं हो रही आपको और एग्जाम में आपको लिखना ही है, ये ओनली 50 वर्ड्स में लिखना है। जॉन डन कोमा एंड्रू मार्कल जॉर्ज हर्बर्ट रिचार्ड करसा। ये सीधा क्यों इनका नाम लिखना है आप एटसेट्रा। अब देखो ऐसा क्यों, ये शायद इस लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको क्योंकि अपन इसको पूरी तरह समझने आया है। तो वो द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज फर्स्ट यूज बाय द क्रिटिक डॉक्टर सेमुअल जॉनसन फॉर अ ग्रुप ऑफ पोएट्स लाइक जॉन डन एंड्रू मार्वल जॉर्ज हर्बर्ट रिचार्ड करसा एटसेट्रा करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ही कोल्ड देम यानी डॉक्टर सेमुअल जॉनसन कोल्ड देम देम उन सब पोइट्स को मेटाफिजिकल पोइट्स कहा था एज क्योंकि दे रोट पोइम्स उन्होंने कविता लिखी थी ऑन द सब्जेक्ट्स उन विषयों पर। अब देखो यहां से नोट करना यहां पर मेटाफिजिकल जो वर्ड है उसका मीनिंग के अनुसार अपने सेंटेंस कंपोज किया है। ये कोल्ड देम उसने उनको कहा उनको किनको उन सारे पोइट्स को जैसे कि जॉन डन एंड्रू मार्वल रिचार्ड करसा एटसेट्रा इन सारे जो पोइट्स थे उनको क्या कहा डॉक्टर सेमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्स का एज दे रोट क्योंकि उन्होंने लिखा था पोइम्स ऑन द सब्जेक्ट ऐसे विषय पर देट आर बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड जो इस संसार में है ही नहीं इस संसार से परे हैं लाइक लव गॉड एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता एटसेट्रा। सही आप समझ गए। अगली बार सेंटेंस को लिखते हैं दो बातें वो लिखते हैं के बारे में द वर्क्स ऑफ द पोएट्स उन कवियों की रचना है पर कंसिडर्ड मानी जाती थी यानी मानते थे द इनोवेटिव यूज का अर्थ हुआ यानी कि नया प्रयोग यानी कि नया नई सोच। अब मुझे प्रॉपर हिंदी में दिक्कत होती है समझ गए साहब यानी कि उनकी जो कविताएं थी उन रचनाएं थी उन कवियों की मानी जाती थी एक नए प्रयोग के रूप में। और कंसीट एक लिटरेरी डिवाइस है पैराडॉक्स आयरनी हाइपरबली फारफेस्ट इमेजरी का होता है ऐसी कल्पना जो हम सोच नहीं सकते यानी कि हमारी सोच से परे कल्पना करना डिस्प्ले ऑफ विट का बुद्धि का दिखावा। सीधा समझिए ये जो पोएट्स थे इन्होंने क्या किया जो हमारे ये इनकी जो पोएम्स लिखा करते थे उसमें इन्होंने ये लोग इन चीजों का यूज करते थे। कंसीट एक लिटरेचर लिखने के डिवाइस होते हैं आपने 11th क्लास में इसके बारे में डिटेल से स्टडी की है। कंसीट पैराडॉक्स आयरनी हाइपरबली फारफेस्ट इमेजिनरी एंड डिस्प्ले ऑफ विट इन सारी चीजों का इनकी जो रचनाएं हैं वो एक नए प्रयोग के रूप में मानी जाती थी। द मेटाफिजिकल पोएट्री इज एन है अ ब्लेंड ऑफ ब्लेंड करते मिश्रण मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है मिश्रण है अ ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन इसका थोड़ा बुद्धि और भावना का मिश्रण है। इतना सा हम याद रखेंगे और एग्जाम इतना लिखेंगे और 50 वर्ड्स में लिखना है और अगर आपने इतना लिखा तो आपके पूरे नंबर आने के पूरे चांस है। आई होप शायद आपकी ये चीज़ क्लियर होगी। हम अगले टर्म को लेकर नेक्स्ट जो हमारे टर्म्स हैं उनको लेकर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इन सारी क्लास को देखें और पूरा वीडियो देखें।